झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजा सामने आ चुका है और एक बार फिर से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन हम बात करेंगे आरजेडी की। देखिए तेजस्वी यादव का जलवा जो है और तेजस्वी लहर आज झारखंड में खूब चला है। 7 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही थी। तेजस्वी यादव लगातार झारखंड में कई दिनों तक रहकर प्रचार खुद कर रहे थे और तेजस्वी के प्रचार का असर जो है आज दिखाई दिया है। देखिए 7 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ रही थी, जो पिछले बार 2019 में मात्र 1 सीट तेजस्वी यादव के पार्टी को मिला था, जिस पर जीत दर्ज की थी। और इस बार जो है 7 सीट पर चुनाव लड़के तेजस्वी यादव ने 4 सीट जीत लिया है। देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को बड़ी जीत मिली है झारखंड में। वह 4 कौन सीट है जहां से आरजेडी का लालटेन जला है? तो देखिए गोड्डा सीट से तेजस्वी यादव की पार्टी जीत दर्ज की है। संजय प्रसाद यादव वहां से जो है वह चुनाव जीत के कगार पर पहुंच चुके हैं। उसके बाद विश्रामपुर है, जहां से नरेश प्रसाद सिंह जो है वह बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। हुसैनाबाद सीट है जहां से आरजेडी का लालटेन जल रहा है। और चौथा जो सीट है देवघर है, बाबा की नगरी देवघर में भी इस बार लालटेन जल रहा है। देखिए तेजस्वी यादव कई दिन झारखंड में गए थे, खुद देवघर में गए थे और देवघर में जाकर बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद और दर्शन भी किया था। और देखिए और उसी दर्शन के बाद आज कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की बड़ी जीत हुई है, आरजेडी की बड़ी जीत हुई है। 4 सीट पर लालटेन जो है वह जल चुका है। देखिए 7 सीट पर चुनाव लड़ी थी और सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी जो है लगातार झारखंड में कई दिनों तक रहे, वहां पर घूम घूम कर अपना पसीना बहा रहे थे, पार्टी के कार्यकर्ता भी मदद किए। और बिहार से कई ऐसे नेता थे जो तेजस्वी यादव के कंधे को मजबूत करने के लिए झारखंड में जाकर प्रचार कर रहे थे और आज उसका असर दिखा है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी 4 सीट पर जीत दर्ज कर ली है। तो बड़ी खबर झारखंड से निकल कर आ रही है, जहां 81 सीटों के जो परिणाम है वह सामने आ गए और एक बार फिर से महागठबंधन की बड़ी जीत झारखंड में हुई है। और बीजेपी पटकनी महागठबंधन जो है बीजेपी को पटकनी दे दी है। आपका सोचते कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बिहार एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, धन्यवाद।